हेलो दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है BS6 ब्लोरो पिकअप के रीजनरेशन सीरीज 2 में। अगर आपने सीरीज 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में, इधर आपका आई बटन में BS6 रीजनरेशन पार्ट 1 आ रहा होगा, वहां से जाकर के आप देख पाएंगे। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम आगे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सीरीज में हमने लगभग सारा सेंसर का लोकेशन वगैरह सब कुछ समझ लिया था, तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सेंसर का जो भी आपका वर्किंग कंडीशन क्या है, कौन सा सेंसर किस वोल्टेज पे काम कर रहा है और क्या उसका पिन आउट है, इश्यू से क्या पिन आ रहे हैं, वोल्टेज कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, 5 वोल्ट पे काम कर रहा है, 2 वोल्ट पे काम कर रहा है या 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो ये वीडियो सारे सेंसर DPF पे, सारे सेंसर मतलब ये टेम्परेचर सेंसर 5, टेम्परेचर सेंसर 4, टेम्परेचर सेंसर जो दोनों है कितने वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, इनका क्या वायरिंग है, इनका पिन आउट क्या है, और ये आपका अप स्ट्रीम लैम्डा सेंसर, डाउन स्ट्रीम लैम्डा सेंसर, इनके वायर कितने हैं, पिन आउट क्या है, कितने वोल्टेज पे ये काम कर रहे हैं, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर इसका पिन आउट क्या है, इसका वोल्टेज वर्किंग कंडीशन क्या है। तो ये आज हम सारे सेंसर्स के वोल्टेज को और इनके वर्किंग वोल्टेज को, पिन आउट्स को इस वीडियो में हम समझेंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हम DPF पे काम कर रहे हैं और DPF के पिन आउट्स सारे हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा डिप्लेंसर, पूरा का पूरा डिप्लेंसर है, ठीक है ना। ये हम जो देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अपने शॉर्ट जो मेन टॉपिक है हमारा, जो पिन आउट डिटेल, वर्किंग कंडीशन, वोल्टेज क्या मेजर कर रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा सेंसर टेम्परेचर सेंसर 4 और 5 का लोकेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका ऊपर वाला और ये नीचे वाला बीच में लगा हुआ, ये दोनों टेम्परेचर सेंसर है डिप्लेंसर में लगा हुआ। तो इसका वोल्टेज क्या है और इसका पिन आउट क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो यूज हो रहे हैं वो आपके नंबर ऑफ पिन, 2 पिन है इसमें, हर एक सेंसर के, एक सेंसर के 2 पिन है। और इसमें हम टेम्परेचर के रेजिस्टेंस टेबल को समझेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इससे हम अपने सेंसर्स को चेक कर पाएंगे हमारे सेंसर सही है या नहीं है। तो नॉर्मल हमारी जो टेम्परेचर वैल्यू होती है 0, जैसे कि अनयूज टेम्परेचर या गाड़ी खड़ी है तो 0 टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो आपका रेजिस्टेंस 60 है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके सेव कर लें। ये आपको महिंद्रा की आपकी लगभग सभी गाड़ियों में ये काम करने वाला है, ये टेम्परेचर 4 और 5 को मेजर करने के लिए। 0 टेम्परेचर जिस वक्त होगा उस वक्त आपकी सेंसर वैल्यू जो होगी 201.5 ओम्स होगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर की ये वैल्यू 10 होगी, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो ये तो मेजर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि 10 डिग्री पे हमने टेम्परेचर किया है, तो उसको काफ़ी अलग मसला है, दिक्कत काफ़ी है उसमें। तो हम 0 डिग्री पे सिर्फ चेक करेंगे, तो 0 डिग्री पे हमारी जो टेम्परेचर है गाड़ी की वो रेजिस्टेंस दे रही है 201.5, ये हमारी ठंडी गाड़ी की टेम्परेचर सेंसर 4 और 5 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसमें गाड़ी जैसे गर्म, जैसे गर्म होगी सेंसर, ये सेंसर का है, ये गाड़ी का टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का है। सेंसर जितने डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पे होगा ये इसका वैल्यू है। तो आप अपने हिसाब से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, ये फ्यूचर में आगे काम आने वाला है बहुत सारा। तो सबसे पहले जब हमने इसका वैल्यू समझ लिया तो हम इसका पिन आउट भी समझ लेंगे कि इसका पिन आउट क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो इसका पिन क्या 12 वोल्ट से आ रही है या फिर ये आ रहा है इश्यू से, तो आज हम कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है हमें, हम सारा कुछ क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जा रहा है टेम्परेचर सेंसर 4 और 5 का लोकेशन पिन आउट का, ठीक है। तो ये हमारा LNT अपस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर 4,
ये LNT डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर 5। हाँ, यहाँ पे एक कनेक्टर है C8, ये ECU कनेक्टर है और ये सीधा ECU से, बीच में कोई भी कनेक्टर नहीं, सीधा ECU से आ रहा है सप्लाई इसका। इसका ऑपरेटिंग जो फंक्शन है वो ग्राउंड से है, तो इसमें आपको ग्राउंड शो होगा और ये एक सिग्नल वायर है, तो इसमें पिन नंबर 1 जो है वो सिग्नल वायर है और पिन नंबर 2 है वो ग्राउंड है। तो इसका वायर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो मैं अपने लाइव हमने चेक नहीं किया है तो मैं आपको वोल्टेज बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें पावर रिफरेंस वोल्टेज आएगा ये सिग्नल वायर में। तो रिफरेंस वोल्टेज आपको 2 वोल्ट से 3.5 वोल्ट तक आ सकता है, 5 वोल्ट भी आ सकता है रिफरेंस वोल्टेज रिटर्न ये ECU का 2.5 वोल्ट से कुछ। तो हम लाइव उसका भी लाइव हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट जब हम लाइव गाड़ी भी चेक करेंगे तो उसका वीडियो भी मैं डालूंगा, तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन रिफरेंस वोल्टेज वही 2.5 से 5 के बीच में आना चाहिए। हाँ, तो इसमें जो पोजीशन है आपका, पिन नंबर तो मैंने बता दिया, पिन नंबर 1 जो है दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ ECU का पिन आउट अलग है। तो यहाँ पे पिन जो टेम्परेचर 5 का है वो सिग्नल वायर का पिन आउट ECU का 72 है, ग्राउंड वायर जो है वो 99 है, और ये टेम्परेचर 5 का जो सिग्नल वायर है वो 62 है, और इसका ग्राउंड वायर जो है वो 83 है। तो इस तरीके से हमने इसका टेम्परेचर DPF का टेम्परेचर सेंसर दोनों का लोकेशन देख लिया। अब हम देखेंगे इसका, अब हम आगे देखेंगे वर्किंग कंडीशन इसका, मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट लेंगे तो काम आएगा, आप फिर से ले स्क्रीनशॉट इसका और अच्छे से रखें। ये लगभग सभी गाड़ियों में ये सिस्टम आपको वर्क करेगा टेम्परेचर सेंसर को सही वैल्यू पे चेक करने के लिए। तो ये हमारा हो गया डिफ्लेंसर प्रेशर सेंसर जो सूट मास वैल्यू को मेजर करके कंप्यूटर को सिग्नल देता है, ये यही सेंसर है डिफ्लेंसर प्रेशर सेंसर। इसके अंदर कितना प्रेशर है ये इसी के मदद से ECU को मिलता है, और ECU डिसाइड करता है कि डिफ्लेंसर में कितना सूट मास वैल्यू प्रेशर कितना है, कितना चौक है, कितना परसेंट उसको रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे ये पाइप है नॉर्मल, ये कुछ है नहीं, यहाँ पे ये बीच से एक पाइप निकला हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें डिफ्लेंसर जो इसमें मेन वर्किंग कंडीशन ये हाफ पे ही है, नहीं देखा आपने, चलिए मैं आपको फिर से दिखा दूं। तो इसमें जो मेन इसका रोल वैल्यू है वो इसका हाफ है, ये DPF है ना, ये देखिए ये DPF है बीच का। तो इसमें जो डिफ्लेंसर प्रेशर सेंसर लगा हुआ है आप इसको देखिए, यहाँ पे अभी देखिए, अभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए ये आपको ये पूरा का पूरा ये वाला, तो ये जो हम देख पा रहे हैं ये DPF पूरा का पूरा DPF है, और इसमें लगा हुआ ये डिफ्लेंसर प्रेशर सेंसर, तो इसको मेजर कर रहा है ना, ये एग्जॉस्ट है ठीक है ना, ये इंजन हो गया, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया, यहाँ से टर्बाइन के थ्रू ये होते हुए आगे आया। इसमें टेम्परेचर सेंसर हमारा एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक जस्ट DPF के स्टार्टिंग के पोजिशन में, ये DPF हो गया, ये LNT है, ये दोनों ये आपस में ही है। हमें ऊपर से दिखता है ये पूरा का पूरा है, जिसे हम पहले BS6 से पहले जो भी आता था उसको हम मैनिफोल्ड बोलते थे ठीक ना, तो या डिफ्लेंसर भी बोलते थे, डिफ्लेंसर मैनिफोल्ड मैनिफोल्ड डिफ्लेंसर अलग अलग अपने अपने एरिया के हिसाब से लोग अपना अपना बोलते थे, ढोलकी भी बोलते हैं बहुत सारे भाई इसको। तो ये DPF मेन ये है, इसको मेजर करने के लिए डिफ्लेंसर प्रेशर सेंसर है जो ECU को कितना परसेंट ये चौक हो गया है, चौक हो गया, कितना जाम हो गया वो भेजता है रिजल्ट, उसको वो कंप्यूटर सेव करता है। तो इसका पहला पाइप पाइप है ये ठीक ना, ये पाइप है मैंने आपको दिखाया है, ये पाइप है, ये एक पाइप यहाँ से एग्जॉस्ट, ये पाइप ये एग्जॉस्ट हुआ और यहाँ पे पाइप लगा हुआ है और यहाँ से सेंसर में गया, और सेंसर में पैरामीटर अपने कंपनी ने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, यहाँ से सेंसर से फॉलो हो करके सेंसर का फ्लोइंग जो है वो आगे जाएगा ठीक है। तो इसका फॉलोइंग कब बढ़ेगा, जब इधर से एग्जॉस्ट का फॉलोइंग रुकने लगेगा तो इस तरफ का फॉलोइंग तेज हो जाएगा, इधर से हवा गुजरने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो इधर जब हवा की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसी को वो मेजर करेगा उसी स्पीड पे। देखिए ये कैलकुलेशन काफ़ी आगे, हम इससे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें पास जो सिस्टमेटिक जो नॉलेज मिल रहा है ठीक है, तो उसी के आधार पे हम आपको बता सकते हैं। तो यहाँ से जो हवा गुजर रही है ये आपको मेजर करके ECU को सिग्नल मिलता है, तो इसी पे ये डिसाइड होता है कि ये चौक हो रहा है, इतना परसेंट हो चुका है, इतना परसेंट हो चुका है, इतना परसेंट हो चुका है।
जैसे कि मैंने आपको बताया है डीपीएफ का, तो इसमें हम आते हैं अपने डीपीएफ सेंसर पे। तो ये हमारा नॉर्मल पाइप है, ये नॉर्मल पाइप है, ये यहाँ से जा करके सेंसर के दूसरे ओर से निकल करके डिप्लेंसर के आउटसाइड में चला जाता है। अगर ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल तो इस तरफ प्रेशर जाएगा ही नहीं, नॉर्मल रहेगा प्रेशर, जीरो जीरो रहेगा, ठीक है, 0 ग्राम या मिनिमम 13 ग्राम इस टाइप का वैल्यू रहेगा। लेकिन ये जब धीरे धीरे चौक होने लगेगा, जाहिर सी बात है टेक्नीशियन भाई इस बात को समझ रहे होंगे, जब ये जाम होगा तो एग्जॉस्ट का प्रेशर इधर बढ़ जाएगा, तो इधर जो प्रेशर बढ़ेगा वो इधर का घूमना, इसका रफ्तार इधर का तेज होगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो इसी फॉलोइंग को ये मेजर करके हमें रिजल्ट मिलता है कि कितना परसेंट हमारा सूट मास वैल्यू कितना है। तो चलिए हम डिप्लेंसर प्रेशर सेंसर का जो पिन आउट है उसको समझ लेते हैं, और उसका कंडीशन क्या है, उसका वर्किंग कंडीशन, और उसका वोल्टेज कितने वोल्टेज पे वो यूज हो रहा है। तो इसमें ये अब टाइप हो गया, ये डिप्लेंसर प्रेशर मेजरमेंट उसको मैनेज कर रहा है। 3 पिन है और ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसका 5 वोल्ट है, तो इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको 5 मिलने वाला है। तो इसमें कौन सा 5 वोल्ट का वायर है और कौन सा सिग्नल, तो हम उसको समझते हैं। तो ये कंप्लीट डिप्लेंसर प्रेशर सेंसर का पिन आउट है और देख पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज 5 है, तो 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज इसमें 5 है। तो इसमें देखिए आप बीच वाला पिन 3 है, 1 2 3, ये 3 पिन हो गए सेंसर के, ये सेंसर है हमारा। और इसमें जो है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जो है ये अपना सप्लाई वोल्टेज है, और ये पिन नंबर ग्राउंड है 2 जो है बीच का पिन जो हमारा ग्राउंड है, और पिन नंबर 1 साइड का पिन नंबर 1 जो है वो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई है। मैं आपको कलर बता दूं, रेड ऑरेंज रेड कलर की वायर है, उस पर ऑरेंज कलर की पट्टी है, और ये येलो रेड, ये पीला कलर के तार है और इसपे लाल कलर की पट्टी है, ये आपका ग्राउंड वायर है, और ये आपका सिग्नल वायर जो है जिससे रिटर्न सिग्नल इश्यू को आ रहा है। सारे सेंसर का काम उधर तो हो ही रहा है डीपीएफ में, उसके बाद जो सिग्नल उसमें इंक्रीज हो रहा है, जो भी सेंसर बन रहा है सिग्नल, वो सिग्नल इस वायर के थ्रू से इश्यू तक जा रहा है, और ये पिन नंबर इश्यू का 78 है। इसका कलर मैं बता दूं, ये ऑरेंज में ब्राउन पट्टी है, और 3 नंबर वायर जो सिग्नल का। तो इससे हमें डिप्लेंसर प्रेशर सेंसर का ये आपका क्लियर हो गया कि ये हमारा सेंसर पिन आउट ये है। वोल्टेज मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, डिप्लेंसर प्रेशर सेंसर वर्किंग कंडीशन 5 वोल्ट है, और मैंने सारे आपको पिन आउट्स दिखा दिए। अभी इसमें 2 पिन आउट्स रह जा रहे हैं, अप स्ट्रीम लांदा सेंसर और डाउन स्ट्रीम लांदा सेंसर। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टर्न कंडीशन हैं जो रह रहे इसमें, तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, और वो अगर मैं इस वीडियो में लेता हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे लांदा सेंसर और टर्म कंडीशन कैसे काम कर रहा है डीपीएफ का। मैंने सेंसर को सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सेंसर का डीपीएफ के बारे में, उसके सेंसर के बारे में। तो अगर आपने वो पहला वीडियो हमारा नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, यहाँ आप क्लिक करके वो वीडियो देख लेंगे, और उसमें मैंने रीजनरेशन प्रोसेस भी बताया हुआ है, रीजनरेशन टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के रीजनरेशन होते हैं, हम मैनुअल भी रीजनरेशन कर सकते हैं। तो आपको चलिए मैं इसमें थोड़ा सा उस वीडियो का दिखा दूं कि रीजनरेशन टाइप क्या है उसमें, और आप हम किस टाइप से उसको मैनुअली रीजनरेशन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज मैं बता दूं जो हमारे टूल ऑपरेटर यूजर है, तो इसमें सिस्टम कह रहा है कि अगर डीटीसी आपका कोई भी है सिस्टम में तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करें, नहीं तो इस कंडीशन में आपको फेल होने का चांसेस ज्यादा है। प्रेजेंट में अगर डीटीसी कोई है आपके तो उस कंडीशन में आप रीजनरेशन नहीं कर सकते हैं। और मैं क्या बता रहा था कि आपका सूट मास वैल्यू क्या है, हम कैसे रीजनरेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये सारे सिस्टम मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और इस वीडियो में मैं आपको बस शॉर्टली समझा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में नहीं लूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर ज़्यादा ही जानकारी में आप चाहते हैं तो आई बटन में या वीडियो आ रहा है, लिंक आ रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके आप इसको सही से समझ लेंगे।
यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें। ये आपका टर्म कंडीशन है रीजनरेशन का, यहाँ पे रीजनरेशन की कंडीशन आपका सर्विस रीजनरेशन, पार्क रीजनरेशन एंड ड्राइव रीजनरेशन। तो कभी हमें लाइव ऐसा मौका मिला, टाइम मिला, तो हम ड्राइव रीजनरेशन पे वीडियो बनाएंगे। हमने सर्विस रीजनरेशन पे बनाया हुआ है और पार्क रीजनरेशन पे वीडियो हमने अभी बनाया नहीं है। इसलिए नहीं बनाया कि पार्क रीजनरेशन पे काफ़ी ही ज़्यादा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, तो हम उस वीडियो पे नहीं आते ज़्यादा जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें आपने सब कुछ देखा है। पार्क रीजनरेशन में न्यूट्रल होना चाहिए, हैंड ब्रेक इंक्रीज होना चाहिए, खाली जगह पे आपको रीजनरेशन बटन प्रेस कर देना है, उससे हो जाएगा। तो वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रीजनरेशन जो DPF का सिस्टम है इस पे वीडियो जितना मतलब समझ रहा हूँ मैं, 5-6 वीडियो इस तरीके के आपको आने वाले हैं। और हमारे चैनल पे आप आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लें। जैसे कि फर्स्ट रीजनरेशन वीडियो आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और उसी पे मैंने दूसरा लाया और दूसरे पे तीसरा आएगा, तो जैसा आप हमें प्यार देंगे उसी प्यार को हम अपने तरफ से और बढ़ा के आपके लिए मेहनत करेंगे, और जो भी अपने लिए भी सबके लिए, हम सब भाई टेक्नीशियन भाई हैं, एक दूसरे के लिए मदद के लिए ही आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।